खेलने यहाँ पर आपके बीच मस्ती मार रहे हैं। तो आ गया अब भाई इसकी बारी देखो गाइस आपको थोड़ा सा ड्रिफ्ट मार के भी दिखा दिए, पहली जिंदगी में पहली बार ड्रिफ्ट मारे होने, नहीं तो मेरी फटती है पहले ही मैं नहीं मार सकता वैसे ड्रिफ्ट, वैसे पहली बार जिंदगी में पहली बार ड्रिफ्ट मारे मैंने ऐसी। मॉर्निंग कैसे हो आप सभी, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम वीडियो बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ आपको दिखाते रहते हैं, बीच बीच में दिखाते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी कभी दिखाते, पर दिखाते ज़रूर है कभी कभी, पर कोई दिक्कत नहीं, पर जो दिखाते हैं आपको इंटरेस्टिंग ही होता है, जैसे अब कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग में होगा ही होगा ज़रूर ना। तो आज हमारा कोई प्लान वैसे है नहीं था वीडियो बनाने का, तो हम आए थे सरान की तरफ को, तो वहाँ जो है वहाँ बर्फ़ आई है, तो सबने वैसे व्लॉग डाल दिए होने कल जो आए थे बर्फ़ में, जो भी आए थे सारे, तो कोई कोई आए थे यूट्यूबर भी, तो उन्होंने भी ब्लॉग डाल दिया उन्हें, तो हमने भी सोचा कि थोड़ा बनाते हैं और थोड़ा सा दिखाते हैं आपको, तो चलो चलते हैं स्नान की तरफ। तो गाइस तो नज़ारा देखो आप, तो ये है यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा। तो ये बर्फ़ आई है यहाँ पे अभी, यहाँ पे ज़्यादा हल्की हल्की बर्फ़ है, वैसे कल जो बर्फ़ लगी थी ना, तो कल हम सोच रहे थे कि आएंगे पर नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, पर हम आज आए गए हैं तो आपको दिखा ही लेते हैं सरान की तरफ के एरिया को, थोड़ा सा बर्फ़ वाला जो है देख सकते हैं आप गाइस, थोड़ा ऊपर देखो सरान की तरफ मंदिर की तरफ आई है बर्फ़ जो आई। तो तब हम सोच रहे कि अब कैसा करें, क्या करें, क्या होगा, चलते हैं आगे की तरफ फिर देखते क्या होगा। देख सकते हो आप बार बार हाइट हाइट में ज़्यादा बर्फ़ आई है, चलते हैं अभी ऊपर की तरफ। तो ये सरान की तरफ वो हम चले हैं अब। तो अब हुआ हमारा सफर वेसल में स्टार्ट, जो यहाँ से बर्फ वाला एरिया है, तो चलते हैं आगे अब, देखते रहो आप बाकी हमारे मजे कुछ ना कुछ करना ही है वैसे तो। तो गाइस अगर हम कल आते तो क्या पता हमारे रोड में भी मिलती बर्फ़, तो आज के लिए रोड से चला गया ये बर्फ़। तो वैसे अभी कुछ दिन बाद और बर्फ़ आ सकती, क्या पता हम कुछ टाइम बाद और ऊपर आए तो बर्फ़ के बीच, सोचते ऐसे रहते हम, पता नहीं, फिर भी थोड़ा सा कैश की प्रॉब्लम होती है इसीलिए हम आते नहीं हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ, देखते रहो आप नज़ारा थोड़ा सा। तो हमारा प्लान वैसे नहीं था, आपको पहले भी बोला था, तो हम आए थे ऐसे ही, क्या बोलते हैं, अब नीचे आपको दिखाएगा ना, जूते तो लगाए नहीं हमने, हम चप्पल लेके आ गए वैसे हमारा प्लान नहीं था आने का, पर फिर आ गए हम ऊपर हाथी तक, किसी को मतलब मम्मी वगैरह को लेके गए आए थे, तो फिर हमने सोचा कि चलते हैं, तो चलो चलते हैं पार की तरफ, देखते हैं आगे क्या होता है असल में बाकी पार जाके। देखते देखते हम सरान की तरफ पहुंच गए हैं, तो यहाँ देख सकते हो यहाँ पे बर्फ़ रोड में है, शायद से यहाँ पे शायद से मशीन ने साफ़ किए रोड, थोड़ी 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 ना लग रहा है कुछ है। तो अभी गाड़ी आई थी एक दो, तो निकल गई है वो, देखते आगे जाके हम कहीं फंसने नहीं चाहिए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है पर वैसे फंसेगी नहीं वैसे हमारे पास ऑल्टो है, वैसे फंसने तो है नहीं, हम चलते आगे फिर भी देखते क्या होगा। मशीन ने किया है साफ, देख सकते हैं गाइस पुल के ऊपर बर्फ़ है, और देखो गाइस ये फिसलन वाली बर्फ है, तो अगर कोई तेज में आएगा तो पक्का फिसलेगा यहाँ पे, तो यहाँ से आगे भी थोड़ी सी है फिसलने वाली बर्फ, देख सकते हैं गाइस। चलो मजे लेते रहो आप रोड के साथ में मंदिर के। तो गाइस देख सकते हो आप बर्फ, तो हम पहुँच गए एग्जैक्ट सरहान, तो देख सकते हैं आप सरहान की लोकेशन थोड़ी सी, ये है सरहान, यहाँ पे भी माँ काली माता का टेम्पल आगे, तो देख सकते हैं आप बर्फ़। तो हम वैसे आ तो रहे हम रिस्क में जाएंगे पता नहीं कैसे हम, चलो देखते हैं क्या होगा असल में, चलते आगे तक फिर देखते हैं क्या होगा। वो भाई साहब ये आइस है ना बेकार, ये है आइस बेकार जो कि फिसल भी सकते हैं इसमें तो वैसे भी, तो चलो देखते आगे तक जाके, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं जाना हमने, आगे तक जाना है थोड़ा सा, फिर देखते हैं क्या होता है, देखते रहो गाइस आप साथ साथ में मजे लेते रहो आप हमारे साथ बर्फ के। तो यहाँ पे बर्फ ज्यादा आई है, तो देख सकते हैं आप बर्फ के मजे, अगर कोई गाड़ी आई ना बर्फ से तो फिर फंस जाएंगे हम तो इसलिए टाइम से जल्दी निकलते हैं यहाँ से, फिर वापस ही भी निकलना है इसीलिए, थोड़ा सा सामान भी लेना था फिर सामान वैसे लिए। तो गाइस देख सकते हैं आप आइस ब्लैक आइज है, ऑल्टो तो वैसे चल रहेगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है,
ऑल्टो तो प्यार से चल पड़ेगी, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बस सिर्फ चढ़ाई में नहीं होनी चाहिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम आराम से निकल सकती है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो गाइस साथ साथ में आप, तो स्टेडियम की ओर पहुंच चुके हैं हम गाइस, शुक्र है यहाँ पे चढ़ाई में नहीं है बर्फ, नहीं तो हम फंस जाने थे क्या पता, फिर नहीं तो नहीं आते हम नीचे की तरफ। तो स्टेडियम पहुंच चुके हैं, देखते हैं नीचे उतर के। तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे जहां हमने पहुंचना था सरहान। तो देख सकते हैं आप सरहान में बर्फ जो आई है वो बहुत ज़्यादा आई है, इसलिए तो हमने अभी गाड़ी लगाई है इधर। तो अभी पार्क की हमने गाड़ी इधर, अभी हम अंदर जाते हैं स्टेडियम में, स्टेडियम में जाके देखते क्या होगा। वैसे थोड़ा सा खेलते बर्फ़ के साथ, मज़े लेते थोड़े, बर्फ़ के वैसे मज़े नहीं लिए काफ़ी टाइम से। कल भी हम बहुत सोच रहे थे कि जाएंगे, सब गए हैं बर्फ़ के बीच खेलने, सब बर्फ़ के बीच फ़ोटो लिए है, सब ने लिए है, हम भी देखते हैं आज फ़ोटो वगैरह ले लेते हैं। गाइस देखो साथ साथ बर्फ़, ये है बर्फ़, तो यहाँ पे थोड़ा सा आज तो गिल गई ना, तो ये है देखो यहाँ पे गाइस अंदर मेरे भांजे वगैरह आए हुए हैं, तो ये अंदर रहे अभी शीशे के, ये देखो गाइस एक क्या है, एक ये अंदर है। तो अभी हम पता कैसे आए यहाँ, देखो चप्पल के साथ, सोच सकते आप, कुछ नहीं तो चलते अब अंदर की तरफ। आपको पूरा वाइट दिख रहा हो ना, तो देख सकते हैं आप पूरा वाइट है, तो हम ही आए आज, वैसे नहीं तो गैंग वैंग लेके आते सारे, तो वाइट है पूरा ही। और ये हमारे अब्बू जी रिस्क, तो देख सकते हो आप बर्फ के साथ हम मजे ले रहे हैं। तो बर्फ के साथ खेलने के लिए हम आए थे, पर थोड़ा सा ऐसे पर अकेले अकेले सोच रहे हैं हम कि खेलने के लिए क्या करें, पर अकेले खेला जाएगा कि नहीं खेला जाएगा वो नहीं पता, देखते फिर भी जो देख सकते गाइस आप बर्फ। तो मजे लेने के लिए आए थे, तो कोई बात नहीं, वैसे अपने फ्रेंड वगैरह के साथ देखेंगे बीच में कभी अगर आएंगे, तो फिर देखते क्या होगा असल में। देख सकते हो गाइस हम चप्पल लेके आए, और ये देखो ये लग गया बदमाशी करने फिर से, तो ये बर्फ के बर्फ फेंकते लग गया इस ये। तो गाइस ये गाइस बर्फ के बीच खेलने आए हम, मजे लेंगे थोड़े से, तो मजे ले खेलने अब यहाँ बर्फ के बीच मस्ती मार रहे तो आ गया, अब आई उसकी बारी देखो तो देखो गाइस भागते दौड़ते इनको, ये देखो गाइस ये देखो मजे, तो बर्फ के मजे ले रहे हैं पूरे। ओ थोड़ा थोड़ा से बच गया, तो इसने बनाया, अब इसने मैं कहा ये बच गया। तो पहली जिंदगी में पहली बार ड्रिफ्ट मारे होने, नहीं तो मेरी फटती है पहली मैं नहीं मार सकता वैसे ड्रिफ्ट, वैसे पहली बार जिंदगी में पहली बार ड्रिफ्ट मारे मैंने ऐसी मार दिए। तो चलते आगे, अब चलते वापस, नहीं तो पापा ने आगे वीडियो देखी तो हमारी बैंड बजी गई। ठीक है चलते आगे, बड़े हम वापस अब, तो देख सकते हैं आप गाइस सोच रहे हम ड्रिफ्ट मारे और वैसे ड्रिफ्ट नहीं मारी हमने, चलते अब घर की तरफ हो गए, बतेरे ड्रिफ्ट मार दिए, अब चलते हैं परे। तो गाइस मजे ले लिए हैं अब, ले के अब चले घर की तरफ वापस। आपने देखा ही हमने ड्रिफ्ट वगैरह मारी, तो चलते हैं अब नीचे घर की तरफ तो मम्मी वगैरह भी तैयार हो गए होने आगे होने, फिर चलते हैं नीचे की ओर, फिर देखते हैं क्या होगा। अभी मम्मी वगैरह को फ़ोन करना पड़ेगा, पहले रिचार्ज ख़त्म हुआ है मेरा, रिचार्ज करना पड़ेगा पहले अपने लिए, तो फिर चलते हैं नीचे की तरफ, फिर मम्मी को बुलाते हैं तो फिर निकलते हैं घर की तरफ। तो हम दवाई वगैरह लेने आए थे, स्प्रे वगैरह करनी है, तो घर जाके फिर स्प्रे करेंगे वहाँ भी जाके, तो चलते हैं नीचे की तरफ फिर देखते हैं। गाइस रोड देखो आप, पूरा बर्फ वाला है बिल्कुल फिसलन
तो हम अभी सरहान में थे, सरहान से निकल गए हैं, तो अभी हम किले में थोड़ा सा रुकेंगे, दीदी का घर भी दिखाएंगे आपको नीचे, तो चलते हैं नीचे की तरफ, फिर दिखाते हैं आपको नीचे से थोड़ा। देख लिया आपने बर्फ़ वगैरह, देख लिया आपने थोड़ा सा, हमने ज़िंदगी में पहली बार ड्रिफ्ट मारी आज, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। हमने अभी देखो यहाँ बर्फ़ निकाल दी गाड़ी से, तो इसने अभी गाड़ी से बर्फ़ निकाली, पर से दूसरी गाड़ी पता नहीं किसकी गाड़ी लगी थी, तो वहाँ से हमने बर्फ़ निकाली, तो अब बर्फ़ खाते हैं फिर चलते हैं आगे। हम पहुँच चुके हैं घर में, और तो आपको थोड़ा हम दिखा भी नहीं पाए बीच में, कोई बात नहीं, अगली बार नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो ज़रूर दिखाएंगे, पर लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को सॉरी। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, तो सपोर्ट आपका बहुत ज़रूरी है, अगर सपोर्ट आपका होगा तभी तो हम आगे वीडियो बनाएंगे, अगर सपोर्ट नहीं देंगे तो फिर हम वीडियो कैसे बना पाएंगे, कैसे जा पाएंगे हम आगे आपको दिखाने कि वहाँ वो सो कुछ ना कुछ तो दिखाना ही होता ना, तो इसलिए चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।